तो गाइस वेलकम टू न्यूज़ बॉय व्लॉग्स। यहाँ पे व्लॉग्स के अलावा सब कुछ होता है। रिएक्ट करते हैं आज पूरब झा का न्यू वीडियो के ऊपर। कल आउट हुआ था, मैं कल से भाई इतना देखने का मन कर रहा था ना फोन पे, बट मैंने देखा नहीं। मैंने सोचा नहीं इस बार तो रिएक्शन देता हूँ मैं, तो अभी देखते हैं ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक सिप चाय मार लेता हूँ पहले। भाई मजे भाई, 11:30 बजे थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है ने, एक सिप चाय। पहले तो इसको ये छोटा करना होता, नहीं तो पता चला भाई मैंने ये स्क्रीन मैंने छोटा ही नहीं किया है। एंड इसके बाद मैं पूरा वीडियो रिएक्ट किया ठीक है, 1/2 घंटा बैठ के, एंड तुम लोगों ने सिर्फ मेरा चेहरा देखा। मैंने यूट्यूब तो क्रोम तो तभी खोल रखा था। ये देखो ये देखो भाई, 56 मिनट पे 68,000 व्यूज, वो भी रात के 10:30 बजे अपलोड किया था। ओ माई गॉड। और ये तो अभी 1 लाख पार हुआ है तुम्हें अगर मैं दिखाऊं यूट्यूब स्टूडियो में तो। इसको भी सब्सक्राइब कर दो पूरा जाके, फैंस जो भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स लाता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, इंटरनेट पे क्या चलता है, तो सब्सक्राइब मार दो यार। सो ये देखो भाई पूरब झा का न्यू वीडियो था, ऑल इंडियन रैपर्स, 8.8 मिलियन व्यूज एक दिन के अंदर अंदर। वैसे अगर देखा जाए पूरब झा जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये तो कम ही है जितने व्यूज आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखना मुझे था भाई हनुमान काइंड का और एमसी स्टैन का मुझे देखना है। भाई एक चीज है कि लोकेशन भी वहीं पे शूट किया गया है शायद से। देखो सेम है यार, गाड़ी भी सेम, गाड़ी तो चलो मिल ही जाता है, लेकिन लोकेशन देखो। इसको क्या बोलते थे यार, इसको क्या चक्कर बोलते हैं इसको ना, ये सर्कस होता है, ये सर्कस टाइप का कुछ होता है जहाँ पे बाइक चलाते हैं। मैंने तो देखा नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन मैंने सुना है इसके बारे में कि बाइकर्स एकदम है ना गोल गोल घूमते हैं। चेहरा शायद से छोटा दिख रहा है, रुको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पूरब झा के साथ मैं भी तो पॉपुलर हूँ भाई, अगर इसमें 8 मिलियन व्यूज आ गए तो मुझे भी 8 मिलियन लोग जानेंगे। देख लो भाई चेहरा देख लो। भाई क्वालिटी तो भाई, वीडियो का क्वालिटी एक नंबर है। ऐसा लग रहा है जेन्युइन लग रहा है कि साउथ इंडियन का मूवी देख रहा हूँ। करें स्टार्ट। वेरे मेरे ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये स्टार्ट। अब करें ये। सो हनुमान काइंड, आर यू लविंग ऑल द प्रेज दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द वर्ल्ड? ओ ये। वैसे आपने कभी सोचा था दैट यू विल बिकम सच अ बिग थिंग इन दिस रैप सर्किट? ओ ने। सही बात है साला, किस्मत का खेला हो तो बगुला भी हंस बन जाता है। नहीं इससे तो बहुत बेहतर रैपर देखे मैंने। I know bro, it's a boy Asif bro, you know I'm fucking greater than anyone bro, you know what, ये सब कुछ। असीम रियाज का एंट्री हो गया भाई। लुक्स देख लो यार, बाल तो सेम है ही, रिसेंटली पूरब झा ने बाल काटे थे, अब तो उतने आ गए जितना असीम रियाज का है, तो वही सब मैच हो रहा है। नहीं है ब्रा, जो शोहरत मैंने देखी है वो इधर किसी ने नहीं देखी ब्रा। यू नो व्हाट, आज से 4-5 साल बाद भी यहाँ आऊँ ना तो मेरा सेम बस होता है ब्रा। यू नो व्हाट, सब मेरे को देख के एक ही चीज बोलते हैं ब्रा। क्या बेंचो? यही कि ये गांडू है कौन ब्रा। यू नो व्हाट, दिस इज माय वर्ल्ड ब्रा, यू ऑल लिव इन इट ब्रा। पिछले 6 महीने में मैंने 4 गाड़ियां बदली है ब्रा, और 5वीं बदलने वाला था लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए ब्रा। गांड पे बहुत मारा ब्रा, अभी तक दर्द होता है ब्रा। दिस इज माय वर्ल्ड, बट व्हाट्स योर सीन ब्रा? अरे सीन क्या यार, इसको देख रहे हो, ये हनुमान काइंड तुम्हारे लिए होगा, हनुमान काइंड मेरे लिए मेरा हन्नू है हन्नू। मैं और ये मौत के कुएं पे पैसे इकट्ठे करते थे। अच्छा, मौत का कुआ, इसको मौत का कुआ बोलते हैं, जो वो गोल था ना कूड़े पे जाते थे लाल किंगफिशर और छोटी गोल्ड पीने। सीरियसली ब्रा? नहीं तुम्हें क्या लगता है इसे रैप करना किसने सिखाया? किसने ब्रा? तुमने? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे भूल गया यार, बड़ा बन के मुझे भूल गया। और ऐसा है क्या, क्या रैप करता है ये? गा तो मैं भी लेता हूँ। What? You can sing, bro? Sing, bro? भाई साहब, मेरा नाम बावला छोटू है, लेकिन मुझे छोटा समझने की गुस्ताखी मत करना। मेरे बाप दादा हारमोनियम उठाकर गरीब रथ से लेकर राजधानी हर ट्रेन में गाया करते थे, आपको क्या बताऊं मैं? उसको भीख मांगना कहते हैं ब्रो, एंड यू नो व्हाट,
मेरे से अच्छी कोई भीख नहीं मांग सकता ब्रा, और आज भी सिद्धार्थ के नाम पे रेलिवेंट रहने की भीख मांगता हूँ ब्रा। You know what? I'm the biggest bhikari. You are nothing, bro. Nothing, bro. Nothing, bro. सुन सुन, मुझसे बदतमीजी मत कर, नहीं उठा के यहीं पटक दूंगा। कम बोल ले, नहीं मारूंगा मुक्का मैं। शकल से गांडू तू लगता भी लुक्खा है। Fuck, bro. This is rap, bro. You know this is rap, bro. ये मैंने रैप किया? Yes, bro. कविता ही तो गानी है, और अगर कमर्शियल रैप हो तो उसमें शॉर्टी, बिग शॉट, बेबी, ये सब चीजें डाल के एक लय में गा दे ब्रा। इट्स अ रैप, इसको लय 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 में ला ब्रा। लय में, ठीक है। ओए कम बोल ले, नहीं मारूंगा मुक्का में। शक्ल से गांडू तू लगता भी लुक्खा है। देसी सा कट्टर में तू फ्लेवर का हुक्का है ब्रा। या ब्रा, मैं रैपर। ओ मैं रैपर हो गया, मैं रैपर बन गया ब्रा। डोंट गेट एक्साइटेड ब्रा, कम ऑन। First of all, you have to be perfect, bro. ठीक है, तेरे को सबसे पहले एक गुरु ढूंढना पड़ेगा, bro. You know what? मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा रैपर था, bro. इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उधर जा और रैप सीख उनसे। पर bro, रैपर बनने से पहले तुझे एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा, bro. You know what? MC. MC means mic controller. MC के आगे अपना नाम। मेरा नाम बाला, MC बाला छोटू, बाला छोटू, MC बाला छोटू, बाला छोटू, wait. बाला छोटू, BC. बाला छोटू, BC. MC BC. MCBC, bruh! MCBC, bruh! MCBC! Yeah, bruh! MCBC! We all are so happy that you have become such great Indian rapper. Wait a minute. Wait a minute. I'm not an Indian rap. मुझे पता था ये चीज आने वाला है। शायद से मैंने Instagram स्टोरीज या फिर कहीं पे, नहीं नहीं नहीं, जो हनुमान काइंड का फोटो डालते ना पूरब झा अपने Instagram पर, तो उसके नीचे कैप्शन में ऐसा ही कुछ लिखा था, तो मैं समझ गया था कि ये तो पक्का होने वाला, क्योंकि हनुमान काइंड ने बोला था ना कि मैं इंडियन रैपर नहीं हूँ, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ। मैं कवर भी कर चुका, मैं भूल गया भाई। I'm rapper from India. हाँ. You see the difference? Oh, okay, sir. I get it, sir. पेंचो क्या बोल रहे? मैं भी नहीं समझा था भाई, लिटरली मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि हनुमान काइंड ने बोला क्या है, कि वो बोलना क्या चाहता है। तो मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो पता चला कि अच्छा ये कहना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ 100% कि हाँ हनुमान काइंड ये बोलना चाह रहा था। ए, हनू, ए, क्या क्या नॉट एन इंडियन रैपर? अबे एक बात बता, जिस आदमी ने तुझे पैदा किया है उसके बदले पड़ोसी को पापा बोलता है क्या तू? ये तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी बात सुन हन्नू, तेरा फेम छीनने आ रहा है MCBC। Shut the fuck up। अरे सर आप मेरी बात सुनो, आप मेरे को और बताओ अपने बारे में। Piancho! ये सब रिकॉर्ड करता रहियो, जब मैं बड़ा रैपर बन जाऊंगा ना तो ये सारी फुटेज करोड़ों में बिकेगी, मैंने सब पता कर लिया पैंचो। बाकी चीते सी रफ्तार पकड़ के हम आ गए हैं रफ्तार भाई के घर, क्योंकि वही हैं जो मेरे सादे टैलेंट में अपना देसी स्वैग मिला के। ये कौन है भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझसे एक चिल्ली को उस्ताद बना सकते हैं, ये है रैप का मंदिर। कहाँ है मेरे रैप के भगवान, कहाँ? एक एक करके ले, एक एक करके, एक एक करके मैं तेरा थप्पड़ मार के निकाल दूंगा। ये तो रफ्तार में समझ गया, पीछे हो, एक के बाद एक, एक। अरे मुंह फाड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये ले। कौन बोलता था यार ये पैंच, कौन बोलता था, मैं याद नहीं आ रहा है। नमस्ते रफ्तार, मैं MCBC। क्या आप मुझे समय कितनी बार? अच्छा अच्छा, वो शायद जो हनुमान काइंड का वाला सीन था उससे आया होगा रैप सीखने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुझे दांत मत लगाए कर, ऊपर आ। देख क्या रहा है, तुझे क्या लगता है जब भाई डॉली बन के कहते हैं मुंह में दे देंगे चौक को, तो मजाक कर रहे होते क्या? मुंह में नहीं देंगे आज रफ्तार भाई। सॉरी। अच्छा रफ्तार भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। आप इतने बड़े रैपर हो तो सट्टा वट्टा खेलने की क्या जरूरत है मेरे भाई? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ बहुत कमाते, तब ये जुआ सट्टा खेल के घर चलाना पड़ता है, और डाइवर्स की एलिमनी भी तो देनी है। बढ़िया था भाई, बढ़िया। अच्छा रफ्तार भाई, आपसे एक सीरियस बात करनी है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या रैप गेम का बोनी कपूर बनने में, ताकि मैं स्टेज को श्रीदेवी समझ के हमेशा किल कर सकूं। प्याचो मेरे भाई, मुझे मेरे माँ की कसम है मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। समय रैपर बनने का पहला लेसन समझाई से।
पियांचो नहीं बन पाएगा तू रैपर। क्यों भाई? ना ना। क्यों 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 क्यों? रैपर बनने का पहला रूल, कोई तुम्हें अगर मारे तो उसको जवाब चाटे से नहीं शब्दों से दे, समझा? मेरे और एमीवे दोनों की लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसको मारा नहीं, उसको जवाब दिया शब्दों से, समझा? रा भाई सीरियस हो रहा है वो, रहने दो। देख देख कांडू को कैसे सीरियस हो रहा है। पैंचो रफ्तार भाई, मैं हर थप्पड़ का जवाब शब्दों से ही दूंगा। भाई यार बहुत बढ़िया। अरे सुन, तू ना शब्दों से ही जवाब देता रह जाएगा और तेरी कोई फिल्म बना देगा, समझा? आपने अन्नी से। अबे सुन, वो साला ना हत्ते नहीं चढ़ा, नहीं तो थप्पड़ मार के ना टट्टी निकाल देता मैं उसकी। तेरे को रैप करना है ना तो म्यूजिक बीट को अपनी बीवी समझकर राइड और स्लैप कर, समझा? बहुत आर्द भाई, बढ़िया। पैचो क्या बकचोदी कर रहे हो, हैं? मदद करनी है तो बड़ा नहीं। ओए पैचो, बावला छोटू के कंधे पर हाथ रख रहा है, साले ऐसे चाटा मारूंगा ना देश की सीमा पार हो जाएगा। कौन है तू? अबे ओ साले, अरशद है वो, अरशद 5 साल से मेरा बॉडीगार्ड, समझा? को देश से बाहर निकालने की बात करी ना, हाँ, ये एनआरसी वाला जब हुआ था, एनआरसी ये जो CAA वाला हुआ था, ये तब का ये सीन है। रफ्तार ने स्टेज पे बोला था ना कि ये मेरा बॉडीगार्ड है, कोई इसको हाथ लगा के दिखाओ या इसको देश से बाहर निकाल के दिखाओ। इन्हें पे गोली खाऊंगा बहन की। मगर क्यों अरशद? मगर क्यों अरशद, तू मेरा भाई है, सारी सेविंग्स लगा दे सट्टे में, डबल करके दूंगा, गाड़ी के नीचे फरारी की सवारी आएगी, पेंट हाउस आएगा, सारे पैसे हार गया मैं मदर चुप। अरे अरशद पागल हो गया, कहां से निकलेगा रहा? अरे अरशद अभी जुआ खिलवाऊंगा बढ़िया। अरे मत कर अरशद। रफ्तार भाई से मिलने के बाद मेरे रैपर बनने की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है, पर हार नहीं मानूंगा, करके दिखा दूंगा, मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा 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 आगे, मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा। अंडा तू ले आ, ऑमलेट में खा लूंगा। समझ गया भाई, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ भाई, मैं देखा नहीं ये वीडियो, एंड मैंने जितने भी रील्स भी आ रहे थे ना, मैंने भी वो भी स्क्रॉल कर दिया, देखा ही नहीं, मुझे स्पॉइलर चाहिए ही नहीं, मुझे यही वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है। हे भाई, अंडा तू ले या ऑमलेट में खा लूंगा, साबुन जो तू रगड़े तो पानी से मैं नहा लूंगा, हौले से खोलूं मैं धीरे से डालूंगा, डाला जो मैंने वे तेरी बहन को बच्चे, उनको मैं नाजों से पालूंगा, भाई लोकेशन देख के लग रहा है ये अपना गांव है। किसी गांव में जाके शूट किया गया है, लेकिन लग रहा है कि अपना गांव है, मेरा जो गांव है वैसा लग रहा है। नहीं करना आगे, मैं इनको पालूंगा, ये करूंगा। ए, इधर इधर देखा, मैंने तेरे को कहीं देखा है। नेजी दाबा कैसे हो? हेलो नेजी दाबा, कैसे हो भाई आप? नेजी दाबा हो, ओरिजिनल गली बॉय। गांजा गांजा। अरे सॉरी भाई, वो थोड़ा मैं भूल गया था, वो शॉर्ट हो गया था ना भाई। अरे पैंचो आप इधर कैसे, क्या कर रहे हो? मैं तो बोहेमिया बाजी के साथ चिल कर रहा हूँ। बोहेमिया भाई भी आए हैं, कहाँ है? ये तो रे द गोट। हार्ड शाउट आउट भाई पैंचो। ए भाई को हरी भरी घास खिला के लाओ रे, जाओ, और ज्यादा फ्री मत करना इनको, समझा क्या? अच्छा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं MCBC, मेरे को भी ना आपकी तरह एक बड़ा रैपर बनना है, तो मैं गुरु भी ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे रैप सिखाओगे? ए तू ज्यादा फ्री क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या बोल रहा है तू? रैप सिखाओगे, ये सिखाओगे? रैपर हूँ मैं, बिग बॉस कंटेस्टेंट हूँ मैं, समझा गया रे?
अरे आप एक रैपर हो ना जो बिग बॉस में गए थे, आपका गाना है मेरी गली में, मेरी मेरी गली में, एक नंबर बात मेरी गली में, गली में। सॉरी भाई सॉरी, वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था ना। मैं हाँ मैं रैप कर लेता भाई। भाई ये रैपर्स लोगों का पता नहीं, बहुत सारे रैपर्स का ये है ना मुंबई का एक्सेंट शॉर्ट हो गया था। मैं इधर गयला था मैं, ये सब फ्री स्टाइल रैप, हार्ड रैप, सॉफ्ट रैप, पनीर रैप, आगे रैप, पीछे रैप, सोते सोते रैप, जगते जगते रैप, हकते हकते। नहीं यार वो तो एमवे करता है ना भाई, पर ऐसे ऐसे रैप है ना मेरे पास कि मतलब सब शॉर्ट हो जाएंगे भाई। तो भाई एक फ्री स्टाइल रैप करते हैं ना। फ्री स्टाइल रैप मैं तेरे को बताता हूँ, सुन। तेरा नाम क्या है? बावला। बावला बावला है, इसका नाम है बावला। नजफगढ़ के पास पड़ता है चावला, बाल ज़्यादा टूटे तो खा तू आवला। और लड़ है मेरा छोटा पर रंग है सावला। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, आता है आपको रैप? आता है, आता है ना भाई, बढ़िया आता है। बाकी बस अपने को एक गुरु मिल जाए ना तो और बढ़िया रैप हो जाएगा, अपने पे भी एक दिन फिल्म बनेगी भाई। अरे नहीं नहीं, गुरु मुझे चाहिए और फिल्म तो आप पे बन रखी है ना। हाँ सॉरी भाई, वो एकदम अभी शॉर्ट हो गया था ना मैं। हाँ भाई क्या फिल्म बनी थी यार मेरे पे, बिग बॉस, बहुत बढ़िया था, बढ़िया काम किया था। बिग बॉस शो था, फिल्म गली बॉय थी, रणवीर सिंह। हाँ सॉरी भाई, वो मैं थोड़ा ना वो शॉर्ट हो गया था भाई, शॉर्ट हो गया था। अच्छा नेजी भाई, आप तलांजुम को सुनते हो क्या? कौन तला भाई, कौन तलांजुम? मैं नहीं जानता कि तलांजुम। अच्छा, आपको नहीं पता तलांजुम कौन है? तो वैसे किसके आजकल मतलब गाने वाने सुन रहे हो आप, कोई अगर पसंद में हो आपकी? हाँ अभी यार एक नया आर्टिस्ट आया मार्केट में, वो उसका गाना है कौन तला कौन तला, रैप में लिया तो जौन तला। से पूछ कौन कौन तला कौन तला कौन तला, यही तो तलांजुम का गाना है। तलांजुम नहीं तो गाया ये। अच्छा तलांजुम, हाँ भाई वो एकदम से मैं भूल गया था, वो अपने साथ बिग बॉस में था ना। अरे तलांजुम क्यों होगा बिग बॉस में यार? मैंने कब बोला वो बिग बॉस में, पागल है क्या तू? तलांजुम ने मेरे पे पिक्चर बनाया था गली बॉय, क्या पिक्चर थी भाई, सुपर हिट। ए चुप, मेरे को बता दे अगर हेल्प कर सकता है रैपर बनने में, नहीं मैं निकलूं। टाइम वेस्ट कर रहा है। ए तू ना ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना, तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? नेजीदा बा, जिस पे गली बॉय बनी थी, बिग बॉस बनी थी, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। ये भी सुना है, तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ, कहाँ पे बोला था यार नेजी ने, मैं भूल जाता हूँ। शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है, ए भाई कौन तला रैप में लिया तो शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है शॉर्ट हो रहा है, कौन तला रैप में गली गली में गली 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 में, तेरे शूटरों का खास मेरी गली में, गली बॉय बिग बॉस गली बॉय शॉर्ट हो रहा है। भाई सही है यार, बीच बीच में तो भाई पूरा नेजी लग रहा है पूरा जा। शॉट हो रहा है शॉट हो रहा है शॉट, ए भाई कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। कौन तला रैप में लिया तो डिवाइन से पूछ कौन तला, तू साले तला अंजुम, तू अबे तला अंजुम है तू, तला ए तू ज्यादा फ्री हो रहा है फिर मेरे आगे, तू तला अंजुम नहीं है ए, तेरा पासपोर्ट दिखा, गांजा गांजा। भाई चलते हैं ना, शायद नहीं मिल पाएगा कोई। क्या क्या कह रहे बेंचू, मैं हार मान लूं? अबे तुझे पता है जिससे हम अभी मिलने आए ना, वो अगर हार मान के घर बैठ जाता तो पीटा उन बेबी, और वो क्या एड़े चाली चल रहा है, और अपना वो एमसी स्टैन आने वाले भाई, एमसी स्टैन ओ शेमड़े, ऐसे पोएटिक वर्ड्स का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। यही वो आदमी है जो मुझे रैपर बनाएगा और मेरी मझधार में फंसी नाव को पार लगाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा। मैंने आज थोड़ी देर पहले एक रील आया था मेरे, मैंने देखा नहीं बट मैंने 3 सेकंड के लिए जब देखा ना मैंने पॉज कर दिया, एंड देन फिर मैंने एडिटर को भी दिखाया, भाई ये पूरव झा है या एमसी स्टैन है? तो उसने देखा था वीडियो तो वो बोला पूरव झा भाई, वो बोलता है खतरनाक भाई, सेम टू सेम लग रहा था, मैं भी कन्फ्यूज हो गया एक टाइम के लिए। एमसी स्टैन बेबी पी टाउन बेबी पी टाउन रेड स्टॉप, मैं इंसान नहीं पी टाउन, मैं पी टाउन भाई किंग। जरा देख ले क्यों टक्कर मुझको मारे, गान का अंधा है क्या प्यारे, सोनिए सोनिए किंग 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 भाई, बिग फैन बिग फैन बिग फैन। पर
आप इधर MC Stan के? Oh, I came here for the collab with Stanny here. And I'm representing. भाई मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोग offend हो सकते हैं, but King मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. King मुझे बहुत fake लगता है भाई. Presenting indie music here. Yeah. King भाई क्या हो गया ऐसे क्यों बात कर रहे हो? Sorry, I talk only like this. Yeah, only like this. Yup. King भाई मेरी बात सुनो. गार्लिक नान अगर गार्लिक ब्रेड बनने की ट्राई करें ना तो बड़ी मनहूस लगती है. मत करो एक्टिंग, अच्छी नहीं लग रही. ओह, I'm not acting, yeah. सही बात भाई, सही बात बोल दिए. I only talk like this and I'm wearing Anamika Khanna right now and this is Amrapali. Anamika Khanna भाई ये भी याद आ गया, वो कैंस में जब गया था. Yeah. Yup. तो आप ऐसी बात करते हो? Yeah. Oh yeah. ठीक. वैसे किंग भाई मैंने सुना है कि एमीवे आप पे डिस लिख रहा है. कार्ड भी फाड़ दूंगा मैं 2 मिनट में, समझा? अबे ये बच्चे कितने भी बड़े ना बाप से, खेले हम आग से और खेलते हम राग से, समझा? ओह यह यप आई नो इज मेकिंग समथिंग शिट ऑन मी. यह अबे भाई क्या हो गया यार. किंग भाई अपना कैरेक्टर भूल गए. जब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर का दिल्ली वाला शांत नहीं बैठ रहा, फूट फूट के बाहर आ रहा है बार बार, तो क्यों दबा रहे हो उसे किंग भाई? एग्जैक्टली भाई, इसलिए मुझे पसंद नहीं है किंग. मेरी बात सुनो, नकली एडिडास से ज्यादा वैल्यू असली बाटा की होती है. बाटा बनो यार, बी ओरिजिनल. सही बात है ये. और किंग को ये सीखना चाहिए, ये देख अगर देखा होगा ना तो सीखना चाहिए इससे ये जो बोला गया है. हाँ अब नहीं है भाई, तूने बहुत बढ़िया बात चोदी आज. सही कह रहा है यार तू. ये बहन चो बाटा ही बनना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए. और ये बाटा की चप्पल जब मारूंगा ना एमवे के सर पे, तब पता है क्या गाऊंगा? मैं मारू तेरी गांड, तू दो टके की भांड. ओ ये चल, चलता हूँ मेरी जान, बाद में मिलते हैं. अरे अरे सुन 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 सुन, जाते जाते एक चीज तो बता दो, रफ्तार भाई ने क्या बात बोली थी? भाई बहुत तगड़ी बात बोली थी भाई ने. बताना. बता दूं? हाँ. इधर आ. तो उन्होंने बोला था छीन टपाक डम डम. चल चलता हूँ मेरी जान. छीन ये. ये देखो भाई, ये MC Stan ही है क्या भाई? ये देखो यार, ये पूरब छात्र नहीं, ये देखो MC Stan जैसा ही लग रहा है. सेम टू सेम भाई, डिट्टो. ये ब्रो खाता लिट्टी चोखा ब्रो, खाली टाइम चलाता रिक्शा ब्रो, 4 पैसे कमाता ब्रो, और कुछ ना मुझको भाता ब्रो. ये 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 ऐसे ही मैं रहता ब्रो. बहुत बढ़िया स्टैन भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. स्टैन भाव, ये मेरा लड़का ना आदित्य है, ये आपका बहुत बड़ा फैन है. हाँ स्टैन भाव, मेरे को तो आपके जैसा ही बनने का है. अरे आदित्य मेरी बात सुन, तू बहुत सही जा रहा है ब्रो, तू सिर्फ अपने डैड की सुन. तू जैसा भी कर रहा है ऐसे ही करता रहे, सिर्फ अपने डैड की सुन और किसी की मत सुन, ठीक है? हाँ भाव. भाव भाव एक गाना गाओगे? रिकॉर्ड कर लूँ? अरे आदित्य क्या बात करता तू भी, तू मेरे केयर टेकर चाचा का लड़का है, तिल्ली में जरूर गाऊंगा भाई. चल तू रिकॉर्ड कर. उठ जा दिखा आदित्य को. क्या हो गया भाई? क्या मतलब? एक और है मेरे पास, चल भाग के दिखा, वो बजाऊं क्या? भाग लेगा आई ट्रिप आईडे चाली. इतना बढ़िया गाना गाओ, इतना मेहनत करवाओ फालतू में. स्टैन भाऊ पी टाउन. अबे शेमड़े एक्टिवा की शक्ल के कौन है रे तू, अंदर कैसे आया? स्टैन भाऊ मैं बावला छोटू AKA MCBC. तो अपनी MCBC इधर कराने को काई को आए? नहीं नहीं मैं एक्चुअली आपसे आपकी वाइब लेने आया हूँ.
अब समझ रहे हो ना पैंचो? समझा शेमड़ी, क्या रे पीट टाउन बेबी, क्या ब्रो पहले बोलता ना मेरे को, अभी मालूम पड़ा तेरे को क्या चाहिए, ये ले 600 की पुड़िया है, मेरे भाई लोग होम डिलीवरी गांजा गांजा भाई भी करते हैं, ठीक है रख ले रख ले। क्या कर रहे हो, ये क्या है ये गांड के, 600 से कम नहीं होगा, 500 दे देगा लास्ट, इससे कम नहीं होगा। अरे पेंचो इसको पकड़ो यार, पेंचो मुझे रैपर बनना है यार। पहले मेरे को ये बता ब्रो, तेरे को रैपर बनने का ही को है? मतलब स्टैंड बाउ वही है पेंचो, फेम आएगा थोड़ा सा, पैसा आएगा, गाड़ी बंगला, लड़कियां वड़कियां भी थोड़ी आएंगी, मतलब एक के साथ सोऊंगा, दूसरी के साथ मैं नहाऊंगा, चौथी के साथ खाऊंगा, पांचवी। तू रैपर बनना है तेरे को या मुनावर? क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है तू इधर? नहीं स्टैंड बाउ वो नहीं, ये सही था वो नहीं, वरना शो में ऑडियंस से पहले पुलिस आ जाएगी, क्या फायदा? नहीं नहीं हां तो मेरे भाई रैपर अपने लिए बनना, अपनी माँ के लिए बन, पैसा वैसा सब आ जाएगा बाद में देख। वैसे भी ना आने वाला फ्यूचर मम्मल रैप का है भाई, ठीक है मम्मल रैप पे ध्यान दे। मम्मल रैप सिखाइए ना मुझे स्टैंड बाउ। मम्मल रैप भाई, ये मम्मल रैप काफी वायरल हो रहा है, मैंने रील्स देखे एमसी स्टैन के काफी मम्बल रैप वाला, फोन चला रहे ला भाई, ये तो करता रहे ला भाई, मैं तो मैं सो रहे ला भाई, मैं चाय पी रहे ला भाई, चाय खत्म हो गया रे भाई, चुप फाड़ दूंगा। चल मैं तेरे को बताता है मम्बल रैप क्या होता है, ध्यान से सुनने का ठीक है भाई। स्टैंड भाई कुछ बोलो ना, रैप गाओ ना। ये अभी बोला तो, अबे ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा है ध्यान से सुन, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लोगों का करियर वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं कर रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ उधर से जा रहा हूँ, किच्चू। स्टैंड भाई कुछ मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ जुबान से बोलो ना, रैप में बोलो। शेमड़े तू सुन, तू सुन ध्यान से सुन, ध्यान लगा मैं क्या बोल रहा है ठीक है, सुन चुप। छपरी समाज में चुप भंगड़ा करने वाले साले, मेरे को रैपर बनना है रैपर, मेरे दिमाग की मार चोट दी है तूने, सबने मिलके मार चोट दी मेरे दिमाग की। माँ की गाली बकता रे तू, क्या रे वो तेरी माँ है, वो मेरी माँ है, वो सबकी माँ है, माँ की इज्जत कर शेमड़े, कभी खो दिया ना तो रोएगा, माँ की इज्जत कर, क्या मालूम तुम लोगों को यार माँ कैसी होती है। तो तेरी माँ का टंटा खोलूं, ए शेमड़े लौड़े 80,000 के सूद 80,000 के, उसको नीचे रख, नीचे रख, मालूम क्या रे बिकेगा तेरा घर बिकेगा शेमड़े। डांटने का स्टाइल भी भाई मजा आ गया यार, ये शेमड़े शांत सुन रहे बोल रहा हूँ, मुझे रैपर बनना, रैपर बनना पागल बना के रखा है साला, नहीं कर सकते मैंने तो पागल बना के रखोगे तू। शांत शांत हो, शांत हो, शांत हो जा शेमड़े, मेरी बात सुन, ये रैप भी अपना फालतू की बात अभी नहीं है, इसको करने के लिए शब्दों का गेम है, इसको करने के लिए शांत रहना मांगता है, दिमाग का, तेरे बॉडी का, तेरे पाँव का, तेरे झांटा का शांति मांगता है, पूरा शरीर शांत। अरे तो कैसे शांत हूँ, योगा की घुट्टी पीऊँ क्या करूँ? काइट रेप रुकना, ये ले बाबा जी की बूटी पी, इसको लेकिन कैसे कब में मैंने कभी फिया नहीं है तेरी में कि क्या पकड़ा रहा है मेरे को, पागल हो गया क्या भाई? मैंने कहाँ पकड़ा, आप ही ने तो मेरे को ये दे। नहीं नहीं पागल, अच्छा आप मेरा टेस्ट ले रहे हो ना फिर से, मेरी बात सुनो, मैं गांजा पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा, ये नशा बिशा मत कर, दिन रात पीऊंगा गांजा। अरे पी टाउन में भी कोई नहीं पीता मेरे भाई, ये सब पागल है क्या तू शेमड़े? लेकिन मैं पीऊंगा और अपना दिमाग शांत करके रैप लिखूंगा। अरे मान जा मत पी गांजा मेरे भाई, मान जा बेकार चीज है नशा बिशा, बेकार है। रैप पीऊंगा नहीं मानता, पीऊंगा गांजा, गांजा पिएगा। सलाम साहब, वो वाला आदमी तुझे जब से समझा रहा है मत पी गांजा तो तू उसकी बातों पे मूत्रा। सही कह रहे हो साहब, भाई ये देखो ये साला शेमड़ी अभी गांजा पी रहा था, वो तो साहब लोग आ गए अभी, ये देखो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा पूरे यूथ से,
देखो यूथ कैसे गांजा पी के बर्बाद हो रहे, लाइफ में जाने एक इधर को खोरे, माँ बाप इनके रेट के रो रहे, ये अपनी हाथों से अपने मौत का बीज बो रहे। खुल के जियो, गांजा मत पियो, खुल के जियो, गांजा मत पियो, मैंने बचाई इसकी बेटी। भाई ये बेस्ट था यार, एमसी स्टैन वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा सच में भाई। और वो जो हनुमान काइंड वाला शुरू का था जो ओ ये वो वाला, भाई मेरे को ये दो चीजें था भाई परफेक्ट एकदम। सर पहली बार ये कौन है भाई, ये कौन है? सालो इतना मारा है ना, एक एक थप्पड़ का जवाब लूंगा, बड़ा रैपर बन गया तो बावला छोटू ना ले मेरा। फुल खान जी के नसीब है भाई ये, जो भी रैपर है जो भी है। देख भाई आग क्या हुआ भाई, तुझे क्यों अंदर डाला है? बहुत दिनों से एक जानवर मेरी बहन को परेशान कर रहा था, जान से मार डाला उसको। अच्छा जानवर, मैं समझ गया ये क्या है। तब क्या कोई रेयर स्पीशीज थी, उसको मार दिया? बहुत कॉमन स्पीशीज, हर तरफ वही दिखाई देता, जहां नजरें घुमाऊं सिर्फ वही दिखाई देता। कॉमन स्पीशीज, ऐसा कौन सा जानवर है भाई? आदमी। कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की के साथ हुआ हादसा, थी बेटी किसी की और बहन किसी की, आज बन के रह गई दास्ता। कौन देगा जवाब उस बात का, मंजर दर्दनाक उस रात का, कुर्सी वालों की माया है रुकती ना, शायद उनका भी इसमें हाथ था, करा उसने सुसाइड जवाब था, झूठ बोला था जिससे वो बात था, खून खोलता न्याय आज मांगता। कौन देगा जवाब उस बात का, रात का गुजरी जो उस पे दिमाग, हिसाब रहा चीखी उस कमरे में दोषी जो साथ था, टांगे भी तोड़ी और हाथ भी तोड़े, थी लड़की अकेली क्या ये उसका पाप था। जाग हाँ पूरे बदन पे निशान थे, सब छोड़ दू दर्द पे ध्यान दे, सोच रही होगी जो जाने बचाती थी जान से उसे ही मार रहे, मारा इतना के थे उसके प्राण गए, साढ़े तीन घंटे माँ बाप थे भार रहे, लोग पर्दा सबूत पे डाल रहे ताकि उन पे ना कोई भी ध्यान दे, तभी लड़की की आंख में कांच थे, लड़की आंसू में डूबी अराज है, सोच कैसा ये मेरा समाज है, जहाँ पे मेरी ना कोई आवाज है, जहाँ डर हर महिला में आज है, लगा दामन पे सबके कुछ दाग है, पर दरिंदों की गलती भी माफ है, साफ है लगे उसे सारे हैवान है, उसे लगे खतरे में जान है, न जाने कौन अच्छा इंसान है, लगना फिर डर उसको सबसे ये आम है, लाचार आज फिर से वो घर वाले खड़े हैं, बेटी तो उनकी है जा चुकी याद के नाम पे, खून में रंगे और कुछ दूल्हे कपड़े ही पड़े हैं, और सुना पड़ा है वो रास्ता जहाँ गूंजेगी सालों तक रास्ता, तभी पूछू मैं सबसे बात आज, कौन देगा जवाब उस बात का, कौन देगा जवाब, 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 कौन देगा जवाब। आई होप यार जस्टिस मिले जो भी हुआ कोलकाता में, ऐसी सजा दी जाए ना ताकि फ्यूचर में और कोई ऐसी हरकतें ना करे, सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं, किसी के साथ भी, किसी भी फीमेल के साथ, किसी भी लड़की के साथ। बाकी यस भाई पूरब जा का वीडियो एक नंबर है एक्चुअली भाई, जो बोलते ना कि एआई है पूरब जा, यस कोई कोई कैरेक्टर इतना बखूबी बोलते उसको पता नहीं, मतलब घुस जाते भाई कैरेक्टर में एकदम बढ़िया भाई। तो बस यही था भाई आज का रिएक्शन वीडियो, ठीक है। एंड यस गाइस सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लाता हूँ मैं, व्लॉग्स भी लाऊंगा यार, लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ, सब कर दो यार इसमें भी सब्सक्राइब, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।